कई सितारे बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, लेकिन टेलीविजन एंकर्स भी इस लिस्ट से दूर नहीं है। कई टेलीविजन एंकर्स हैं जिन्हें हमने कई रियलिटी शोज में देखा है, लेकिन अब उन्हें फिल्मों में भी देखा जा रहा है। हालांकि इनमें से कुछ हिट होते हैं और कुछ वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। इस पैकेज में आपको आज हम दिखाते हैं कुछ ऐसे टेलीविजन एंकर जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। दिल्ली के रहने वाले मनीष पॉल को साल 2002 में मुंबई में स्टार प्लस के गेम शो संडे टैंगो को पेश करने का मौका मिला। इस शो के बाद उन्होंने मुंबई के एक निजी एफएम चैनल पर बतौर रेडियो जॉकी भी काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सफलता मिली बतौर एंकर। कॉमेडी सर्कस, डांस इंडिया डांस और झलक दिखला जा जैसे शो टेलीविजन पर पेश कर चुके मनीष पॉल 2013 में रिलीज हुई फिल्म मिक्की वायरस में मुख्य भूमिका में थे, पर वे फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चला। एक और रेडियो जॉकी आयुष्मान खुराना टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो रोडीज का दूसरा सीजन जीतकर सुर्खियों में आए। रेडियो जॉकी आयुष्मान ने रोडीज जीतने के बाद इस धारावाहिक को होस्ट भी किया। उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट को भी होस्ट किया। साल 2012 में सुजीत सरकार की सुपरहिट फिल्म विकी डॉनर ने आयुष्मान को एंकर से एक्टर बना दिया, लेकिन इस फिल्म के बाद लगातार 3 फ्लॉप फिल्मों से आयुष्मान का करियर डोल गया। साल 2015 में आई दम लगा के हईशा से बॉलीवुड में उन्होंने सफलता का स्वाद दोबारा चखा। तब से आयुष्मान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहला एमटीवी रोडीज जीतने वाले रणविजय सिंघा ने उस सीजन के बाद रोडीज के सारे सीजन होस्ट किए। एक लोकप्रिय एंकर होने के नाते उन्हें कई फिल्मों में मौका मिला। इनमें अक्षय कुमार के साथ एक्शन रीप्ले, सलमान खान के साथ लंदन ड्रीम्स और बतौर लीड डोर फिल्म में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी एक भी फिल्म नहीं चली। धीरे धीरे रणविजय शो होस्ट करने के अपने पुराने काम में लौट आए। वे अब रोडीज में बतौर जज शामिल हुए हैं। एमटीवी की सबसे पहली सफल वीडियो जॉकी रही सोफी चौधरी को फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री का काम कभी नहीं मिला। एक म्यूजिक वीडियो एक परदेसी मेरा दिल ले गया गाना लोकप्रिय हुआ था, लेकिन शादी नंबर वन, हे बेबी, प्यार के साइड इफेक्ट्स और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही उन्हें मिले। चैनल वी के वीजे गौरव कपूर लोकप्रिय होने से पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म डरना जरूरी है में काम कर चुके थे, लेकिन आईपीएल में एंकरिंग के बाद गौरव की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लेकिन कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने वाले गौरव 6 फिल्मों के बाद भी एंकर की छवि नहीं तोड़ पाए। किसी जमाने में सुपरहिट टीवी एंकर रहे पूरब कोहली ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक हिप हिप हुर्रे से की थी। इसके बाद पूरब ने सारे गामा पास सिंगिंग सुपरस्टार और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के टेरो क्विज शो को होस्ट किया। पूरब को सबसे बड़ा ब्रेक फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन में मिला था। पूरब को इस फिल्म के सीक्वल का भी इंतजार है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।